से है, पहले तो बधाई ढेर सारी इस दिवस की। कैसा रहा कल रात से, कल रात 12 बजे से लेकर के आज अभी तक का दिवस? ज्यादा कुछ नहीं, परिवार साथ में था और अब उम्र हो गई इतनी, कहाँ अब जन्म दिवस मनाएंगे उसको। तो बस इस बात की तसल्ली थी कि घर के जितना परिवार था वो साथ में था और उनके साथ मिल करके जन्मदिन का आगमन हुआ और बस ऐसे ही। उसके बाद कुछ कुछ अपने ब्लॉग के लोगों और ट्विटर वगैरह पे काफ़ी देर तक बातचीत होती रही और बस सुबह से प्रतीक्षा गए थे माँ बाबू जी का आशीर्वाद लेने और अब यहाँ आ गए। सर आप मान रहे हो कि वक्त बहुत ही फास्ट दौड़ रहा है, इनफैक्ट ऐसे लग रहा था कि हम कुछ दिन पहले ही आपका 72 बर्थडे मनाए थे। जी जी, व्हाट डू यू से अबाउट इट? लाइक समय की रफ्तार है, अभी क्या किया जाए, प्रतिदिन कुछ ना कुछ चलता रहता है, होता रहता है और कुछ माध्यम भी ऐसे हो गए जिससे कि आपको लगता नहीं है कि काफ़ी विलंब हो गया एक दूसरे से मुलाकात करने का। माध्यम मोबाइल का है, इंटरनेट का है, प्रतिदिन आप उसको देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारा समाचार मिलता ही रहता है आपको। तो कई मानों में अपने आप को मैं एक पत्रकार मानने लग गया हूँ, प्रतिदिन रात को बैठ करके अपनी खबर छाप देता हूँ और आप लोगों का स्नेह प्यार मिलता है तो उसे आप उसको आगे छाप देते हैं। तो इसी वजह से शायद हो सकता है ऐसा लगता है कि हम तो अभी अभी आपसे मिले थे। जी ऐसी बात नहीं है देवी जी, ऐसा मतलब जितने भी हमारे बड़े सुपरस्टार्स हैं सबके बहुत प्रख्यात और बहुत ही प्रबल फैन संख्या है। मैं तो केवल ईश्वर को धन्यवाद देता हूं और अपने चाहने वालों को धन्यवाद देता हूं कि वो आज भी अपना स्नेह और प्यार दिखाने के लिए 11 अक्टूबर को आ जाते हैं। और मैं क्या कहूँ, कृतज्ञ हूँ मैं, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है मुझे। अमित जी, सबसे पहले आपके इस जन्मदिन पे आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने बहुत सारे अपने जन्मदिन देखे होंगे और सेलिब्रेट किए होंगे, कितना सामान्य और कितना खास है ये जन्मदिन आपके लिए और आप स्वयं के लिए क्या प्रार्थना करते हैं अपने ही जन्मदिन पर? जिंदा रहें और क्या। जी 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 जी। अमित जी, ज्योति फ्रॉम E24 News 24। सर यहाँ पर, सर आराध्या ने क्या गिफ्ट दिया आपको? अभी मिला नहीं हूँ मैं उनसे, सुबह उठ करके मैं माँ बाबू जी का आशीर्वाद लेने चला गया प्रतीक्षा, वहाँ से सीधा यहाँ आ रहा हूँ आप लोगों का आशीर्वाद लेने। अब जाऊँगा वहाँ तो वो इंतजार कर रहे होंगे। अभी कितनी एक्साइटेड है बर्थडे को लेकर, वो देख करके मैं वो बताऊँगा। बच्चन सर, बच्चन सर, बच्चन सर, फैमिली मेंबर्स, व्हाट हैव दे टोल्ड यू सो फार? व्हाट आर द विशेस दैट यू रिसीव्ड फ्रॉम द फ्रेटर्निटी एंड द फैमिली सो फार? दे हैव एक्सप्रेस्ड देयर लव एंड अफेक्शन and I don't think that there's anything greater and bigger than that for anybody. No amount of material gift can replace love and affection of family members, of well-wishers. I've always believed in that. So materialistically, I can't say that it is not important. Yes, people show their affection and I accept that with a lot of grace and humility. But yes, the love and affection is much greater than any material gift. बच्चन साहब, सबसे पहले जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। मेरा सवाल यही आपसे कि कोई ऐसा शख्स है आपकी लाइफ में, आपके पूरे करियर में, जिसने आपके साथ हमेशा वो बर्थडे सेलिब्रेशन किया और जो आप उसको याद करते हो, आप उनके साथ डिनर करते हो, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी यादें उनके साथ? परिवार बस साथ में रहे, यही हमारे लिए सबसे बड़ी उत्तम चीज़ रहती है और ईश्वर की कृपा रही है, परिवार ने हमेशा हमारा साथ दिया है। बहुत कम अवसर मैंने ऐसे देखें जहाँ पर मैंने जन्मदिन अकेले मनाया हो। हाँ, परिवार हमेशा साथ रहा है। माँ बाबूजी जब थे तो उनके साथ मनाना था, जब हम कहीं बाहर किसी शहर में काम कर रहे थे, जैसे मैं कलकत्ते में काम कर रहा था, तो उस ज़माने में आना जाना जो था वो इतना सुविधाजनक नहीं था और ना ही टेलीफोन वगैरह की इतनी सुविधाएँ थी, लेकिन वहाँ भी माँ बाबू जी का फ़ोन आ जाता था और फिर अपने मित्रगण जो थे उनके साथ जन्मदिन मना लेते थे, लेकिन आम तौर पर परिवार के साथ ही रहना मुझे पसंद है और उन्हीं के साथ हमने अपना जन्मदिन मनाया है। थैंक यू। अमित जी, शिवांगी फ्रॉम लाइव इंडिया, सबसे पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। आपने जो ये पोशाक पहनी है बहुत बेहतरीन है, तो हम जानना चाहेंगे इस पोशाक के बारे में। ये हमारे मित्र हैं आबू संदीप, उनकी बनाई हुई है,
तिथि त्यौहार पे वो हमारे लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, और हमारे यहाँ तो शायद ये परंपरा रहती है कि कोई त्यौहार हो, कोई जन्मदिवस हो, तो कुछ नया वस्त्र पहनना चाहिए, तो आज पहन लिया उसे।